अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने तकरीबन लिया है 1.5 किलो के करीब गोश्त। आप देख सकते हैं गोश्त की यहाँ पे मैंने बड़ी बोटी रखी है, आपने भी बिल्कुल इसी साइज़ पे बोटियाँ रखनी है बिरयानी के लिए। चलें हम मसालों की जानिब चलते हैं। मसालों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। 6 टी स्पून के करीब यहाँ पर मैंने लिया है बम्बई बिरयानी मसाला पाउडर, या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1.5 टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पर मैंने लिया है, 4 टी स्पून रेड चिली पाउडर। अभी हम एक स्पाइसेस का इसमें ऐड करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने सॉस पैन की जानिब। सॉस पैन में मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 10 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और उन्हें मैंने ऑयल के गर्म होने के बाद शामिल कर दिया ऑयल में। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी अच्छा सा ब्राउन सा आ रहा है, पिंक पिंक वाला। तो हम इसमें से आपने इसमें से 2 चम्मच के करीब प्याज इस तरीके से निकाल लेना है सेपरेटली। ये देखें, बिल्कुल ऑयल को खुश करके आपने निकालना है, क्योंकि ये हमारे लेयरिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो इस तरह से आपने सेपरेट कर लेना है। और ये जो प्याज यहाँ पर हो गए हैं ब्राउन अच्छी तरह से, पिंक पिंक वाले थोड़े से डार्क वाले हुए हैं ब्राउन, बिल्कुल इसी तरह से आपने प्याज को ब्राउन करना है। और उसके बाद आपने शामिल कर देना है चिकन, आपने चिकन मीट शामिल कर देना है। बम्बई बिरयानी मैं चिकन मीट में बना रही हूँ, अगर आप चाहते हैं बीफ और मटन में बनाना तो आप वैसे भी बना सकते हैं। बस गोश्त के गलने के की जो टाइमिंग होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि बीफ और मटन गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और चिकन हमारा जल्दी से टेंडर हो जाता है। तो बस यही फ़र्क है। तो मैंने इसमें शामिल किया है साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टी स्पून के करीब, और इसके अलावा मैं शामिल करूंगी 3 लौंग, आप देख सकते हैं खड़े मसाले अब हम शामिल कर रहे हैं इसमें, 4 छोटी इलायची, खड़े गरम मसालों में आपने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। और मज़ीद मैंने इसमें शामिल किया दालचीनी के टुकड़े। खड़े गरम मसाले आपको बआसानी मार्केट से मिल जाएंगे, आपने अच्छी तरह से खड़े गरम मसालों में भुनाई करनी है। और उसके बाद शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने 2 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल करना चाहते तो आप अदरक लहसुन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और ताज़ा डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ताज़ा कूट कर डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, तो आपने ज़्यादा कूट के भी डालना है। अगर आप अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्रीज़ करते हैं तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में चिकन की भुनाई करनी है 2 मिनट, और उसके बाद शामिल करने हैं 5 अदर टमाटर। देख सकते हैं आप बिल्कुल रेड रेड वाले टमाटर हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने 5 अदर टमाटर शामिल कर देने हैं और ढक दें, क्योंकि टमाटर हमारे स्टीम में ही अच्छी तरह गलते हैं। 2-3 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये देखें, टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और टमाटर से और चिकन से काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पानी आपने एक्स्ट्रा डालना है या मसाले आपके जल जाएंगे, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं हाथ में 4 मोटी मिर्चें ग्रीन वाली, और उसके बाद मैंने एक स्पाइसिस का इसमें इजाफ़ा किया है, वो है चाइनीज़ सॉल्ट। 1.5 टीस्पून मैं चाइनीज़ सॉल्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने सारे मसालों को शामिल कर देना है। अब करनी है आपने मसालों की भुनाई, आपने उस वक्त तक मसालों की भुनाई करनी है तब जब तक तेल हमारा ऊपर नज़र ना आ जाए। ये देखें जनाब, तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ऊपर नज़र आ रहा है। मज़ीद आपने 2-3 मिनट और इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि जितना आप सालन को भूनते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होता है। और बिरयानी का कोरमा आपने ज़्यादा खुश्क वाला नहीं बनाना है, थोड़ा सा जूसी सी बिरयानी बनानी है। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप के करीब पानी, और इसे मैं अब तकरीबन पकाऊँगी 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा हम मज़ीद इसे नहीं पकाएंगे। और मैं बिरयानी की जो सालन की ग्रेवी है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि बिरयानी जब भी बनाइएगा
बिल्कुल जूसी जूसी वाली बिरयानी बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, खुश्क बिरयानी नहीं बनानी है। अब हम चावलों के जानिब चलते हैं। हाफ डेगची पानी लिया है मैंने और इसमें शामिल किया है 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट, और उसमें शामिल करना है 1/2 कप ऑयल ताकि चावल हमारे आपस में चिपके ना। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 4 मोटी मिर्चें, 1 बादियान का फूल। और चावल की जानब चलते हैं। अब हम इसे बॉईल आने देंगे और चावल मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिए थे और इसमें बिल्कुल चावलों ने अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब कर लिया था, तो मैंने इसमें मज़ीद अभी 1/2 कप पानी शामिल किया है। पानी में बॉईल आने के बाद आपने इस तरह से चावलों को शामिल कर देना है। जब आप चावलों को सोक करते हैं तो इससे उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। आपने इस वजह से चावलों को ज़रूर सोक करना है, तकरीबन बिरयानी बनाने से 2 घंटे पहले चावल को सोक कर दें। और मैंने बासमती राइस लिए, मैंने सेला राइस से बिरयानी नहीं बनाया है, बासमती राइस का मैं इस्तेमाल करती हूँ। जितनी भी बिरयानी की रेसिपी है मेरी तो वो बासमती राइस की। 6 से 8 मिनट्स आपने कुक करना है। ये देखें बिरयानी का कोरमा बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको बताया था कि कोरमा मैं थोड़ा सा जूसी जूसी सा और थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखूँगी, तो ये कोरमा हमारे सामने है और यहाँ पर चावल भी हमारे बनकर आ गए हैं। ये देखें अब हम चलते हैं अपने लेयरिंग की जानब। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है लेयरिंग, क्योंकि इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो हमने प्याज सेपरेटली निकाल के रखे उसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब गर्म मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपना होममेड खुशबूदार मसाला पाउडर, 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर, और 1 मैंने टमाटर इसमें कट करके शामिल कर दिया था। खुशबूदार मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको देखनी है तो जाकर आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और सेपरेटली मैंने 1/2 कप पानी लिया है, उसमें शामिल किया है 1/2 टीस्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर। सेपरेटली आपने इसे घोल कर रख लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेयरिंग की हैं तो आपने पहले ही कर लेनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लेयरिंग की जानिब। आपने सबसे पहले बिरयानी की तह लगानी है, चावलों की तह लगानी है इस तरह से। चावल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले हैं, क्योंकि इसके खिले खिले होने की सीक्रेट एक यही है कि आपने चावलों को सोक करना है। अगर आप चावलों को सोक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो इस तरह से आपने चावलों को सोक करना है तो आपके चावलों का रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने देगी आलू शामिल कर दिए हैं। मैंने आलू लिए थे 6 अदद, उसे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के बॉईल कर लिया है 20 मिनट। तो यहाँ पर देगी आलू हमारे रेडी हो गए सेपरेटली, और उसके बाद मैं शामिल करूँगी कोरमा। मैंने बहुत सी बिरयानी की रेसिपी में अपने आलू बॉईल करना भी सिखाया, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सी बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देखें। और उससे और बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं किसी बिरयानी में नहीं शेयर करती तो वो दूसरे बिरयानी में ज़रूर होती है, तो वहाँ पर भी आप देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए और ज़बरदस्त सी बिरयानी अपने घर पर रेडी करें। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इसी तरह से आपने सारी ग्रेवी को इसमें शामिल कर देना है। मैंने विथ मीट शामिल किया है, अगर आपको मीट सेपरेट करना है तो आप मीट सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से शामिल करती हूँ। अब उसके ऊपर आपने अगेन चावलों की लेयर लगानी है। ये देखें चावलों की लेयर लगा दी आपने, और उसके बाद जो लेयरिंग के लिए हमने सामान बना के रखे था वो आपने शामिल कर देना है, टमाटर और प्याज वाला। खुशबूदार मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, गरम मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ब्लैक पेपर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने घर पे होममेड ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ताज़ा बिल्कुल फ्रेश, मार्केट से भी ले सकते हैं लेकिन ताज़े की बात अलग होती है। लेयरिंग करने के बाद उसके बाद अगेन आपने इसमें शामिल कर देना है चावल, और अब हम करेंगे ऑयलिंग। 1/2 कप ऑयल मैं इसमें पूरे शामिल कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा अब हम शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर जो हमने घोल बना कर रखा था, इस तरह से स्पून की मदद से। और बिरयानी हमेशा जूसी जूसी ही अच्छी लगती है, तो अब मैं इसे रखूँगी दम पे 5 से 6 मिनट्स ऑन दम फ्लेम 5 से 6 मिनट के बाद।
ये देखें, अब हम इसकी साथ साथ मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे चावल गुठली नुमा ना बने और हमारे चावल अलग अलग हो जाएं। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, टेस्टी आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये वाकई ये बात बिल्कुल रियलिटी सच है कि मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब आपने भी अपने घर पे इसी तरह से बम्बई बिरयानी को रेडी करना है और बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ानंदोज़ होना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अगर रेसिपी शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।